बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। स्कूल का आखिरी दिन मुतादाद सोचों का हामिल होता है। कुछ लोग खुश होते हैं कि वो एक इदारे से दूसरे इदारे में जा रहे हैं और नए नए तजर्बात हासिल करने के लिए जा रहे हैं, और कुछ लोग उदास होते हैं क्योंकि उन्हें इस पुराने इदारे में गुजारे हुए लम्हे याद आते हैं और वो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इसी तरह स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहां इंसान अपनी सलाहियतों को निखारता है। बकौल शायर, वो बोझ थे लम्हे घर से स्कूल आने तक, क्लास के शुरू होने से क्लास के खत्म हो जाने तक, किताब के पहले वर्ग से किताब खत्म हो जाने तक, लेकिन वक्त बदला दिन लगा मुश्किलात के साथ, हिम्मत के साथ थाम लिया इस रस्ते को, और फिर दिखते हर मोड़ पर नए रंग, कभी खुशी मिलती कभी गम, और तब हो चुका था सब कुछ इस एक जगह में दम। फिर अकलायत होती थी दिन के शुरू से लेकर दिन के इख्तिताम तक, रो रो के जाने से हंस हंस के आने तक, और ये सफर था भाग जाने से भाग कर आने तक। स्कूल एक ऐसी जगह होती है जो इंसान के अंदर मौजूद सलाहियतों को निखारती है, जहां इंसान दोस्ती करना सीखता है, इज्जत करना सीखता है और अपने आप को एक बेहतर इंसान के रूप में ढालता है। इसी तरह शायर कहते हैं, लड़कपन की रफीक है हम नवाए नगमाए तिफली, लड़कपन की रफीक है हम नवाए नगमाए तिफली, हमारे ज़हन के तखय्युल के एहसास की साथी, हमारे अफकार पर तेरा ही साया है, हमारी धड़कने तेरे ही बाम दर में पनाह है, तेरे माहौल में हम सबके महसूसात गलता है, नकुशे ऐद रफ्ता तेरे माथे पर नुमाया है, तेरे होठों पे कितनी ही तबस्सुम रेज बातें हैं, खुलूस इंसानियत के बेपहा जज्बात पाए हैं, तेरे सागर से हमने फैज के जरात पाए हैं। जब तक इंसान किसी जगह रहे तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि, और आपको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, और अगर हो सके तो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करें, ना कि उन्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करें। इसी तरह स्कूल में इंसान की बहुत ज्यादा यादें होती हैं, जिस तरह वो किस तरह ब्रेक गुजारता है, पीरियड किस तरह गुजारता है और छुट्टी के बाद किस तरह जाता है, और इस स्कूल ने हमें हर तरह की फैसिलिटीज फराहम की, तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डायरेक्टर सर मोहम्मद सलीम साहब का, प्रिंसिपल सर राशिद साहब का, और तमाम उस्तादा का जिन्होंने हमें प्यार और शफ़क़त से इतना पढ़ाया। उम्र दौरा से जब भी फुर्सत एक लम्हा पाएंगे, उम्र दौरा से जब भी एक लम्हा फुर्सत पाएंगे, तेरी यादों में खो जाएंगे, खुद को भूल जाएंगे। और आखिर में मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करूंगा, तुझे पाकर जो पाया है उसे हम खो नहीं सकते, तुझे पाकर जो हमने पाया है उसे हम खो नहीं सकते, तेरे हैं तेरे अपने हैं पराए हो नहीं सकते। थैंक यू टू एवरीवन फ्रॉम देन टिल नाउ।